निश सिलेक्शन प्रोसेस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है। अगर आपका निश सिलेक्शन सही नहीं है तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं आगे जाके स्टक हो जाएंगे, आपका करियर जो है वो वहीं पर रुक जाएगा। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को 3 ऐसे स्टेप्स बताने वाला हूं जिसको इस्तेमाल करके आप एकदम परफेक्ट निश जो है वो अपने लिए सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। गाइस मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल डिजिटल मंजीत। सो गाइस सबसे पहले आता है यहां पे पहला जो स्टेप है दैट इज कॉल्ड टैलेंट। यानी कि आपको कोई भी निश सेलेक्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके अंदर वो टैलेंट है या नहीं है, राइट। अगर एग्जाम्पल के लिए लेते हैं कि अगर मान लीजिए कि आप कोई प्रोडक्ट के बारे में जो है रिव्यू देने की कोशिश कर रहे हैं तो रिव्यू देने के लिए आपके पास में प्रोडक्ट का नॉलेज है कि नहीं, आपके पास ये टैलेंट है कि नहीं, आप परफेक्टली उस चीज को कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, दैट इज द फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप यहां पर आता है दैट इज कॉल्ड मार्केट। मार्केट कहने का मतलब जो चीज आप करने जा रहे हो, जो जिस चीज का आपके पास में टैलेंट है, क्या मार्केट के अंदर उसकी डिमांड है या नहीं है। अगर आपके पास टैलेंट है लेकिन डिमांड नहीं है, अगेन वो निश आपके लिए किसी भी काम की नहीं है। तीसरा जो स्टेप है वो है आपका पैशन। यानी कि आपके पास टैलेंट है, मार्केट के अंदर डिमांड भी है, लेकिन अगर आपका जो है उसके अंदर इंटरेस्ट नहीं है, आपका पैशन नहीं है, आपने कोई वीडियो देखी, आप उससे इंस्पायर होकर ये चीज सारा स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो दैट इज रॉन्ग। क्योंकि पैशन नहीं होगा तो आप उसको लॉन्ग टाइम के लिए नहीं करोगे। आप बहुत ही शॉर्ट टाइम कर पाओगे बहुत अच्छे से, लेकिन उसके बाद जो है आप जो है वहां से बिल्कुल डिसअपॉइंट हो जाएंगे। तो ये 3 चीजों को ध्यान में रख के अगर आप एक ढूंढना चाहते हैं निश को, तो आपको परफेक्ट निश मिल जाएगी। तो यहां पर टैलेंट, मार्केट और पैशन, इन 3 को जब आप बनाएंगे तो इनके बीच में जो एक निश परफेक्टली आपके पास में निकल कर आएगी, वही निश जो है वो आपकी परफेक्ट निश है। सो गाइस आई होप कि आपको ये निश सिलेक्शन का प्रोसेस जो है वो 3 स्टेप्स के अंदर कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, लाइक कर दीजिएगा, और अगर नहीं है चैनल पे तो सब्सक्राइब और बेल का आइकन दबा दें ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें तो आपको जो है नोटिफिकेशन मिल सके।